अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस द सेकंड लेक्चर ऑफ सी प्लस प्लस सीरीज। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिकली फीचर्स और उसकी हिस्ट्री, जिसमें हमने सीखा था बेसिकली सी प्लस प्लस कैसे इम्प्लीमेंट हुई थी और उसको किसने किस साइंटिस्ट ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। तो बेसिकली आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम आज के पूरी लेक्चर में सीखेंगे बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है। उसके बाद हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सीखेंगे पूरा भाई हमारे पास जो हैश इंक्लूड है उसका काम क्या है, आयो स्ट्रीम क्या होती है, हमारे पास मेन फंक्शन का काम क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड नेम क्या होता है और उसके बाद सी आउट फंक्शन का क्या काम है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि हम आज के दौर में अगर ये कहें कि हर एक बंदा कंप्यूटर से वाकिफ है और कंप्यूटर में हमारे पास दो तरह की फाइल होती हैं, एक नंबर वन कि भाई जेपीजी फाइल हो गई, हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई, हमारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो गई, हमारी वीडियो फाइल हो गई, इट मीन्स हमारा डेटा। लेकिन उस डेटा में से हमारे पास एक फाइल होती है .exe, इट मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर कि हम जो हमारी इमेजेस हैं, हमारी वीडियोस हैं, वो भी तो रन होती हैं, वो भी तो ओपन होती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर देता चलूँ कि जब आप अपनी विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ हमारे पास बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, लाइक ओपन इमेज ओपन करने का सॉफ्टवेयर होता है, वीडियो प्ले करने का सॉफ्टवेयर होता है और कोई भी टेक्स्ट एडिटर फाइल होती हैं। ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो रही होती हैं तो उनके बैकएंड पे क्या होती है, उनकी एक्सई फाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, जब हम उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने विंडोज को। लेकिन जब हमारे पास पता है कि भाई हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो क्या काम करती है, वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि मैं किस सॉफ्टवेयर से रिलेशनशिप रखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो भाई मैं किस सॉफ्टवेयर की क्या किस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी इमेजेस को ओपन कर सकता हूँ। तो जो भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होंगे उनके थ्रू मैं अपनी ओपन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, पीडीएफ। अगर मेरे सिस्टम में पीडीएफ है वो इंस्टॉल है ही नहीं, पीडीएफ सॉफ्टवेयर, तो मेरे पास पीडीएफ फाइल रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल है वो मैंने अब तक एग्जीक्यूट नहीं करवाई अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे क्या कहता है, डॉट पीडीएफ क्या है, एक एक्सटेंशन है जो प्रोवाइड करती है भाई मेरी फाइल किस सॉफ्टवेयर से रिलेशनशिप कर रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सई फाइल वो प्रोग्राम होते हैं जो एग्जीक्यूटिव हो हमारे सिस्टम के अंदर, उनको हम कहते हैं प्रोग्राम। जब मैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव होंगे तो मैं वहाँ पे आपको बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भाई मैं एक्चुअली एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूंगा लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक एग्जी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी जो एग्जीक्यूट होती है रन टाइम पे। ठीक है, तो आगे मूव होते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्रोग्राम इन जनरल है क्या? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, प्रोग्राम वो है कि भाई प्रोग्राम एक लाइन ऑफ कोड होता है जो यूजर की नीड को पूरा करे, यूजर की नीड के टास्क को पूरा करे। अब मैं यहाँ पे आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, प्रोग्राम करते हैं हम अपना हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। पहला सवाल हमारा ये उठता है कि बेसिकली ये है क्या। मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स में ये नहीं बताते कि भाई ये हैश इंक्लूड क्या है, आयो स्ट्रीम क्या है, नेम स्पेस हम क्यों लगाते हैं, इंट मेन का फंक्शन क्या है, सी आउट का काम क्या है और रिटर्न जीरो हम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। आज मैं आपको पूरा इसको डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो में। बेसिकली ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिंपल है हम कैसे प्रिंट करते हैं अपना हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस लाजमी नहीं है कि आप उसे पूरा लिखें, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड लाजमी है क्योंकि हम एक नेम स्पेस का स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई सी आउट में हेलो प्रिंट करो। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इमेज में क्रॉस दिया हुआ है और यहाँ पे टिक मार्क दिया हुआ है, तो आप दोनों सही है बाई डिफॉल्ट। लेकिन मैं आपको बताने के लिए आपकी नॉलेज में हो कि भाई अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए कि आप कन्फ्यूज हो जाए कि भाई ये स्टैंडर्ड से डबल कॉलन था हमने यूज नहीं की कभी, कैसे प्रिंट हो रहा है, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लाजमी नहीं कि पूरा यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, बस स्टैंडर्ड बताता है सी प्लस प्लस को कि भाई मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ अपने कंसोल पर। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बाकायदा अंडरस्टैंड करते हैं पूरे प्रोग्राम को जो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली हैश इंक्लूड क्या होता है, आयो स्ट्रीम क्या होता है। अब हमारे पास हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है, एक लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस की जो हम इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम का मतलब हम क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ,
भाई ये तो हो गए हमारी लाइब्रेरी, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लेकिन ये हैश क्या है? हैश हमारा वो टैग है जो कंपाइलर को बताता है कि भाई ये जो हमारे पास लाइन लिखी हुई है ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसकी जिस लाइन की भी आगे अगर हम हैश लगा दें तो कंपाइलर समझेगा इसको कि भाई ये हमारी लाइब्रेरी है जो कॉल हो रही है सी प्लस प्लस में से, ठीक है। और ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर हम किसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस होती है कि भाई कंपाइलर को पता तो चले ना हाँ कि भाई ये जो लाइब्रेरी है वो किसी कहीं से इंपोर्ट हो रही है, तो वहाँ पे उसकी एड्रेस उस पर उस एड्रेस पर उसको पॉइंट आउट करना है, वहाँ से उसका सोर्स कोड लेना है, इस तरह से ये प्री प्रोसेस होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। हम क्या करते हैं नेम स्पेस का एक स्टैंडर्ड यूज करके हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं अपना अपने कंसोल पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली मेन फंक्शन से हमारा पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, हमारी हमारे देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पर ये हमारे पास जो है हैश इंक्लूड हमारा ये हेडर सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेम स्पेस है, उसके बाद ये मेन फंक्शन हमारा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रिंट करता है। उसके बाद ये हमारी क्या है बॉडी जो कर्लीज ब्रैकेट्स हैं। अब मेन फंक्शन हमारे सिस्टम में एक मेन फंक्शन लाजमी होता है हमारे प्रोग्राम में, और सब फंक्शन मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक हमारे पास वर्चुअल फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइन फंक्शन हो गया, हम मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हैं। जिस किसी प्री डिफाइन फंक्शन प्री डिफाइन कीवर्ड के आगे अगर हम स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दें या राउंड ब्रैकेट्स लगा दें तो उससे हम समझ जाएंगे कि भाई हमारे पास क्या है फंक्शन है। और हमने बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द मेन फंक्शन, ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सी आउट, अब जैसे मैंने बताया था कि आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट, अब सी आउट क्या कर रहा है, हमारा प्रिंट करवा रहा है एक कंसोल पर हेलो वर्ल्ड। तो ये किसका है बेसिकली, ये हमारा जो मेन नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड का, वो हम आयो स्ट्रीम से कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। और रिटर्न जीरो बेसिकली ये क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट है हमारे प्रोग्राम की। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई मैं जो प्रोग्राम हूँ पूरा प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो चुका हूँ और मैं हमारे प्रोसेस को रिलीज कर रहा हूँ। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सुना होगा हर एक टास्क को हम कहते हैं प्रोसेस, जो भी हमारे पीछे हम टास्क हो रहे हैं, जैसे मैं अपनी स्लाइड रन की हुई है ये भी प्रोसेस है जो बैक एंड पर रन हो रहा है। जैसे मैं इसको स्किप करूंगा क्या होगा कि भाई जो हमारे इसका जो प्रोग्राम होगा वो प्रोसेसर बताएगा कि भाई यूजर ने क्या किया है, प्रोग्राम को रिलीज कर दिया है, टास्क रिलीज कर दिया है। इस तरह से क्या करता है भाई, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ क्या प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हुआ तो ये हमारे रिटर्न जीरो कर प्रोसेसर को बताता है कि भाई जो हमारा प्रोग्राम है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो गाइज, और उसके बाद हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन रह गया हो या मैं और आपको समझ में नहीं आया हो कि बेसिकली इन चीज़ का काम क्या है, तो आप इससे रिलेटेड मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं आप टेक्निकल हब पे जाकर, और जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक और बात, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू कमर्स हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट करना भी, क्योंकि उसके जरूर आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस के भाई पूरा एक कंपाइलर कैसे समझता है, कंपाइलर होता क्या है और इस प्रोग्राम को कैसे समझता है, वो कैसे एग्जीक्यूट करवाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।